दोस्तों आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप स्किप करोगे ना तो आपका जिंदगी बर्बाद है। अच्छा हमको सिखा रहा है। मैं ये क्यों बताता हूँ, आज का वीडियो पूरा देख लो आपको पता चलेगा। आगे बोल। नहीं बता। ए भाई बता ना, बता ना। भाई 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 मेरा भाई। बता ना भाई, बता ना मेरा। बता ना। क्या आप भी अपना मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर से लिंक कराना चाहते हो? अगर चाहते तो आपने सही वीडियो चूज किया, आप सही वीडियो पे क्लिक किया है। देखो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको फेक वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आपको देख लो, आपको पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप अपना घर पे ही अपना मोबाइल नंबर को अकाउंट से लिंक कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी बैंक का अकाउंट हो, चाहे आपका SBI का हो या HDFC का हो या ICICI का हो या मतलब पंजाब नेशनल बैंक का, मतलब कोई भी बैंक का आपका हो, आप घर बैठे सिर्फ ATM में जाके अपना मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो। देखो ये बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपको पहले से लिंक है तो उस मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हो या नया मोबाइल नंबर उस पर लिंक कर सकते हो, क्योंकि चेंज करना तभी पड़ता है। मान के चलो आपने मोबाइल नंबर कोई लिंक कराया था, वो मोबाइल नंबर खो गया, सिम टूट गया, या आपने वो सिम को बंद करना चाहते हो, आपको पसंद नहीं है तो आप नया नंबर फिर से जोड़ना चाहते हो, तो इसी वीडियो से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से आप नया नंबर को ऐड करोगे और दूसरी बात किस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर जो पहले से ऐड है उसे चेंज भी करोगे। तो आज का वीडियो पूरा देख लो। लेकिन आपको दूसरा प्रोसेस भी मिलता है, चाहे तो आप बैंक पे जाके उसे लिंक करा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको लाइन पर लगना पड़ता है, बहुत सारा लंबा लाइन पूरा दिन उस पर जाता है, और जाने के बाद आप जब वहाँ जाओगे तो बोलेगा आज मैनेजर नहीं है या लेंज पे चला जाएगा, आज छुट्टी है या दो दिन तीन दिन बाद आ जाओ, और होने के बाद बहुत सारा मतलब आप प्रोसेस करने के बाद भी आपका काम पूरा नहीं हो पाता है, और कभी कभी तो दो तीन बार आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग थक हार कर छोड़ देता है कि अपना मोबाइल नंबर को लिंक नहीं कर पाते। लेकिन मोबाइल नंबर लिंक रहने से क्या क्या फायदा मैं आपको बता दूं, चाहे आप पेटीएम हो गया, फोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब कुछ चला सकते हो अपना मोबाइल नंबर अकाउंट पे लिंक होने के लिए, या इमरजेंसी में आपको बैलेंस चेक करना हो या किसी को भेजना हो या किसी से रिसीव करना हो, मतलब बहुत सारे सुविधा आपको मिल जाता है अपने अकाउंट नंबर से मोबाइल नंबर को लिंक करने से। लेकिन आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते ना, थोड़ा भी स्किप नहीं करोगे ना, तो आप सीख जाओगे किस तरह से अपने घर पे ही, मान के चलो अपने ही घर पे बैठे विदाउट बैंक जाके आप अपना मोबाइल नंबर को अकाउंट से लिंक कर सकते हो। तो ये बहुत काम का वीडियो है, पूरा देख लेना। और आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, वीडियो अच्छा लगता है कि लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल मैं वीडियोस आप लोगों को देता रहता हूँ। और हाँ, आगे की प्रोसेस में आप लोगों के लिए ATM में जाके बताऊंगा कि किस तरह से बस दो मिनट में, ज़्यादा नहीं, दो मिनट में आप ATM में रह के अपना मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हैं। मैं भी खुद लिंक कराया हूँ अपना SBI अकाउंट में, जो हाल ही मैंने लिंक कराया, तो उसे आपको मैसेज प्रोवाइड होता है, सब कुछ होता है। तो चलिए आगे के प्रोसेस में ATM में जाके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा ATM कार्ड, मैं अपना मशीन में डाल देता हूँ अपना ATM को, ये देखिए ATM में डाल देता हूँ। और आज का वीडियो पूरा देख लेना, आप सीख जाओगे कि किस तरह से आप अपना अकाउंट में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो, चाहे अपना नया मोबाइल नंबर हो, चाहे अपना नया मोबाइल नंबर हो या आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, सब कुछ होगा। तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, लेकिन सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको यस पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे यस पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर लेना है। इंग्लिश चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको पसंदीदा कोई भी दो नंबर डाल देना, जैसे मैं डाल देता हूँ 99, और उसके बाद यहाँ से यस कर देना, आपको सिंपली आपको यहाँ से यस कर देना। यस करने के बाद आपका जो आपका चार अंक का पासवर्ड है वो डाल देना है, मैं अपना वाला डाल देता हूँ, सॉरी हाइड कर दिया इसके लिए, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, बैंकिंग, बैंक इंक्वायरी, ट्रांसफ़र, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर कर देना है रजिस्ट्रेशन से। और उसके बाद यहाँ आपको दिखा देगा मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, तो आपको जो यहाँ मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन दिखेगा सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। करने के बाद वीडियो थोड़ा सही लगेगा इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद मोबाइल पकड़कर वीडियोस बनाता हूँ, आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई भी देता होगा। और उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन चेंज मोबाइल नंबर, अगर चेंज करना चाहते तो नीचे वाला ऑप्शन, अगर नया वाला तो आपको ऊपर वाला, मान के चलो आपने नया जोड़ना है मोबाइल नंबर किसी अकाउंट में, तो आपको सिंपली इस पर टच करना है। टच करने के बाद यहाँ आपका 10 अंक का मोबाइल नंबर डायल करना, मैं डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, ये देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर का डाल दिया। और यहाँ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन कर देना, ये वाला ऑप्शन पे चूज करना है, मैं इसको कर लेता हूँ। और यहाँ ओके करने के बाद फिर से यहाँ लिखेगा प्लीज री एंटर योर 10-डिजिट मोबाइल नंबर, तो आपको फिर से वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपने पहले करेक्ट वाला डाला था, तो आपको सेम मोबाइल नंबर डालना है, कोई उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए ताकि मैच हो जाए। और उसके बाद जब आप मोबाइल नंबर डाल दोगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऊपर और नीचे, और लेकिन आपको जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है आपको सिंपली उस पर ही ओके कर देना है। ये देखिए मैं ओके कर रहा हूँ आपके सामने, तो आपको सिंपली इस पर ओके कर देना है। और करने के बाद आप क्या करेगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और लेने के बाद यहाँ आपको सक्सेस वाला मैसेज दिखाई देगा। देखो मेरा पहले से ये ऑलरेडी कनेक्टेड था इसलिए ये वाला मैसेज आया, अगर आप नया कराना चाहते हो तो यहाँ आपका दिखाई देगा कि मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वो वाला ऑप्शन आएगा, लेकिन मेरा ये ऑलरेडी पहले से था इसलिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आया, लेकिन आपका सक्सेसफुल वाला आएगा। और दूसरी बात यहाँ आपको लिखेगा प्लीज टेक योर कार्ड, यानी कि आपका काम हो गया है, 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड